हमेशा की तरह मैं आप लोगों का कमेंट चेक कर रहा था। वैसे ही मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई बजट फ्रेंडली आरजीबी गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का एक रिव्यू वीडियो बनाओ, तो मैं आज आप लोगों के लिए यही वीडियो लेकर आ गया हूँ। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग ऑनलाइन जाते हो ढूंढने लायक आरजीबी गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस, तो आप लोगों को वहाँ पे 1000 के अराउंड में बहुत सारे कीबोर्ड माउस दिख जाएंगे। बट यहाँ पे उस बंदे ने मुझे बोला था कि भाई अंडर 500 रुपीज़, इतना टाइट बजट में आप लोग एकदम पूरा फुल सेटअप करके बताओ, तो वही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। एंड ये वाला जो मेरे पास कीबोर्ड एंड माउस है वो एंड ई स्पोर्ट की तरफ से आता है, और यहाँ पर आप लोग देखो तो ये फुल साइज गेमिंग आरजीबी कीबोर्ड माउस का कॉम्बो सेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं इसे अनबॉक्स, और बॉक्स का पैकेजिंग तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे के अंदर से तो सारा कुछ सही है। और यहाँ पर देखो तो हमारे को एक ब्लैक एंड व्हाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है सबसे टॉप पे, बट उससे पहले यहाँ पे हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। तो इसी में आप लोगों का जितने भी शॉर्टकट कीज है उसको कैसे यूज़ करना है और इसके स्पेसिफिकेशन वो सब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये रहा हमारा कीबोर्ड, तो यहाँ पे इसका जो ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन है भाई वो कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लुक दे रहा है। और ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है और इसका बिल्ड पूरा फुल्ली प्लास्टिक में आता है, ओके। और इसमें आप लोग इसका की कैप लाइक इसके बैक साइड में अगर देखो तो ये पूरा फुल्ली प्लास्टिक का है, और इसमें आप लोगों को रबर ग्रिप भी देखने को मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी भाई नेक्स्ट लेवल है। और वायर की बात करें एंड ई स्पोर्ट वालों का कहना है कि भाई इसमें ड्यूरेबल पीवीसी केबल का यूज़ किया गया है, और ये तो पूरा फुल लुक लाइक रबर केबल की तरह ही दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका क्वालिटी भाई नेक्स्ट लेवल है वायर का भी, और लेंथ भी बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। और ये रहा इसका पूरा फुल लुक, तो इसे वो अब हम साइड रखते हैं। और यहाँ पर अब हमारा आ गया माउस, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा एक गेमिंग माउस इसके साथ मिलता है, और भाई इसका कलर देखो यार एकदम पूरा फुल्ली डार्क ब्लैक है। और इस माउस में भी एक ऑप्टिकल सेंसर ही लगा हुआ है, और इसके पीछे का मॉडल आप लोग देख सकते हो। बाय द वे इसमें आप लोगों को गेमिंग 6 बटन देखने को मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे आपको एक DPI का भी बटन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसमें भी आप लोगों को RGB का सपोर्ट मिल जाता है, 4000 FPS वाला ये माउस है। और यहाँ पे आप लोगों को 1.5 मीटर का लेंथ इसमें देखने को मिल जाता है, और इसमें भी सेम वही ड्यूरेबल PVC केबल का यूज़ किया गया है। और ये भाई माउस जो है वो आप लोगों को 102 ग्राम का ओनली मिलता है, और इसमें आप लोगों को अप टू 1000 से लेके 3600 तक DPI को स्विच कर सकते हो। ओवरऑल माउस भी बेस्ट है। तो अब कर लेते हैं यहाँ से हम इसका पूरा फुल सेटअप, और यहाँ पर देखो तो हमारे पास है ये क्वेंटम का USB 4 port हब, और अगर आप लोग इसको मार्केट में लेने जाते हो तो भाई ओनली 100 के अराउंड में ही ये मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप लोग ऑनलाइन देखते हो तो वो आप लोगों को यहाँ पे 200 के प्लस में ही मिलेगा, और OTG केबल वही मार्केट में 30 रुपीज़ के अराउंड में मिल जाता है। और भाई ऑनलाइन तो इसमें डिलीवरी चार्ज ही 30 रुपीज़ का ये रहेगा, और 60 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज रहेगा। और साथ में यहाँ पे हमारे पास माउस पैड भी है। और इन सभी पूरा सेट को मैंने कितने में परचेस किया वो मैं अभी वीडियो के आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं इसका पूरा फुल सेटअप कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना रेडमी पैड, और इसमें मैंने ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू बनाया हुआ है वीडियो, तो मैं वो एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। और आप लोगों को पता होगा भाई अभी कीबोर्ड माउस को अटैच करके गेम प्ले करने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है GG Mouse Pro। आप लोग इस एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके इजिली यूज़ कर सकते हो। इसमें अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया तो मैं उसे भी अपडेट कर लिया, एंड अब यहाँ से करते इसको ओपन। और अभी के टाइम में तो भाई GG Mouse Pro वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस से गेम प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें भी एक्टिवेशन लगता है, और यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल वे मिल जाएगा एक्टिवेट करने का, लाइक यहाँ पे आप लोग वायर्ड कंप्यूटर से वायरलेस रूट या फिर डिवाइस बाई डिवाइस कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा डिवाइस बाई डिवाइस करो, वो सबसे बेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको कोई भी एक्टिवेशन प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं जितने भी एक्टिवेशन मेथड है उन सभी पर एक एक वीडियो बना दूंगा, ओके। तो अब यहाँ से हम कर लेते हैं इसे एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हम ऑलरेडी फोन टू फोन वाले को सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे हम एक्टिवेट पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें एक USB डिबगिंग को यहाँ पे ऑन करना होता है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसे ऑलरेडी ऑन करके हूँ, बट यहाँ पे आप लोगों को सबसे मेन देखो यार जितने भी पोको के फ़ोन है, शॉमी, रेडमी, MI के फ़ोन है, उन सभी में आप लोगों को USB डिबगिंग के साथ साथ नीचे जब स्क्रॉल करोगे USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, इसे भी आप लोगों को इनेबल करना होगा, तभी जाके कीबोर्ड माउस नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ओके। आपको इसे इनेबल करना ही होगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए हमें एक और फ़ोन की ज़रूरत पड़ने वाली, तो यहाँ पे मैं अपना वीवो वाला फ़ोन को ले आता हूँ। और एक बंदे ने मुझे एक और कमेंट किया था कि भाई हमें ओनली सिंगल फ़ोन से ही एक्टिवेट करके बताओ, किसी का हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं चाहिए या फिर किसी और के फ़ोन से भी हमें एक्टिवेट नहीं करना है। तो भाई ये इम्पॉसिबल है, आप जो कमेंट कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास अगर दूसरा फ़ोन नहीं है, बट यहाँ पे आप लोगों को एक सेकंड फ़ोन चाहिए ही होगा, बिकॉज़ यहाँ पे एक वाईफाई का जुगाड़ कर लो, अगर एंड्रॉयड 11 से ऊपर के डिवाइसेस है तब,
या फिर आप लोगों को फ़ोन टू फ़ोन एक्टिवेट करना ही होगा। आप अपने फ्रेंड का फ़ोन ले लो या फिर घर में किसी का भी फ़ोन है उसके फ़ोन से आप लोग एक्टिवेट कर लो। जैसे अभी आप लोग देखो कि मैं यहाँ पे जीजी माउस प्रो सेकंड फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लिया, एंड उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इस फ़ोन में हमारा सेटिंग के अंदर OTG ऑन होता है, तो मैं यहाँ पे इसे ऑन कर लेता हूँ और मेरा रेडमी वाला पैड है उसमें ऑलरेडी OTG ऑन रहता है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो यहाँ पे एक्टिवेट अनदर डिवाइस का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये एक वेटिंग पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे ऐसे ही रहने देना है और इस वाले जो डाटा केबल है उसको हम अपने डायरेक्ट रेडमी पैड में अटैच करेंगे, ये चार्जिंग होना चाहिए ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे हम ओके करते हैं तो देखो वहाँ पे हमारे रेडमी पैड में भी एक पॉपअप आ गया, तो उसे भी हम अलाउ कर देते हैं, ओके कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा डिवाइस हो गया है कनेक्ट, एंड अब यहाँ से हम सिंपल एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे हमारा जो रेडमी पैड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसे डिटैच कर सकते हैं, एंड ये अब जब तक हम इसे ऑफ नहीं करेंगे या फिर डेवलपर ऑप्शन को ऑफ नहीं करेंगे या फिर डिवाइस को रिस्टार्ट नहीं करेंगे, स्विच ऑफ नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा डीएक्टिवेट नहीं होने वाला है ओके। तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं अपने कीबोर्ड एंड माउस को अपने टैब से अटैच। तो यहाँ पे हम OTG केबल को अटैच कर लेते हैं एंड उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ से अटैच कर देते हैं अपने डिवाइस में। एंड यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पे लाइटिंग आ चुका है, यहाँ पे हमारा माउस में भी लाइटिंग आ चुका है, कीबोर्ड में भी लाइटिंग आ चुका है। अभी स्टूडियो का लाइट ऑन है इसलिए कीबोर्ड का लाइट शो नहीं हो रहा, उतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रहा, तो मैं यहाँ पे स्टूडियो लाइट भी ऑफ कर देता हूँ एंड इसे कुछ RGB इफेक्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले RGB बटन को टैप करके यहाँ पे इसे बंद कर सकते हो या फिर चालू कर सकते हो RGB को। FN और RGB की को प्रेस करके यहाँ पे दो इफेक्ट मिल जाएंगे, एक है ब्रीथिंग का और एक है कंटिन्यूसली ऑन का ओके। बस इसमें दो इफेक्ट ही मिलते हैं। और ऐसे भी आप लोग तो नॉर्मल लाइटिंग में ही खेलोगे तो भाई उसमें RGB आप लोगों को परफेक्टली दिखेगा। तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं स्टूडियो लाइट ऑन एंड यहाँ पे अब हम चलते हैं डायरेक्ट गेम के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने देखो यार, सबसे पहले तो जीजी माउस प्रो पे मैंने ऑलरेडी पूरा फुल सेटअप वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देख लेना कि कैसे आपको इसमें प्रो लेवल का की मैप कर पाओगे, वो सब मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी की मैप किया हुआ हूँ और अगर आप लोग मेरा की मैप यूज़ करना चाहते हो तो भाई आप लोग इजीली मेरा की मैप यूज़ कर पाओगे। बट उससे पहले यहाँ पे हम की मैप चेक करते हैं, तो यहाँ पे यह कीबोर्ड एंड माउस दोनों परफेक्टली वर्क कर रहा है और इस माउस में हमें, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि भाई 3600 तक DPI देखने को मिलता है और इसका मिनिमम DPI 1000 है। और DPI कैसे चेक करना है वो भी मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ ओके। तो यहाँ पे मेरा परफेक्टली हेडशॉट लग रहा है अभी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग मेरा ये पूरा की मैप है वो आप कैसे यूज़ करोगे, प्रॉपर मेरा सेटिंग आप लोग कैसे यूज़ कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका जो कोड है वो मैं आपको कैसे इंपोर्ट करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट में जाना है और ये हमारा की मैप, तो सबसे पहले इसे मैं शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला जो कोड आ रहा है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, बस आप लोग इसको इंपोर्ट पे क्लिक करके और इसी कोड को कॉपी करके यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है। एंड जैसे ही आप लोग पेस्ट करोगे मेरा वाला की मैप आपकी डिवाइस में इंपोर्ट हो जाएगा। बस की एडिट में जाके आप लोग जहाँ जहाँ बटन रखे हो वहाँ पे एडजस्ट कर लो, उसके बाद की मैप हो गया आपका सक्सेसफुल। अभी यहाँ से हम करते हैं DPI के बारे में बात की, कैसे आपको DPI को पता करना है कि हमारा माउस DPI कितने पे है। तो इसके लिए यहाँ पे माउस कर्सर विजिबल कर लेना है एंड उसके बाद मूव करना है। देखिए यहाँ पे माउस कर्सर बहुत स्पीड हो जाएगा, सेम मूव करना है, जहाँ पे सबसे कम मूव करे माउस कर्सर वहाँ पे सोच लेना कि आपका जो माउस है उसका जो लोएस्ट DPI है उस पर वो सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा 1000 DPI पे ऑलरेडी सेट हो चुका है। और अगर आप लोग मिनी माउस पैड यूज़ करते हो तो मैं जिस पोजिशन में रख रहा हूँ उसी पोजिशन में रखना, बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा ही एरिया मिल जाता है माउस को मूव करने के लिए, जिसे हमारा हेडशॉट नेक्स्ट लेवल लगता है। और माउस पैड यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके। और इस कीबोर्ड माउस का तो भाई अलग ही एडवांटेज है, लाइक इसमें आप लोगों को 104 की लेआउट के साथ ये फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जिसमें भाई ये एडवांटेज है कि आप लोग बहुत सारे की मैप कर सकते हो क्योंकि इसमें बटन बहुत ज्यादा मिलता है। लाइक यहाँ पे इमोट के लिए अलग अलग की मैप बाइंड कर सकते हो, लाइक यहाँ पे जो नंबर पैड है उन सभी नंबर पैड को आप लोग इमोट के लिए की बाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमोट को इक्विप कर लेता हूं। तो फाइनली मैंने यहां पे पूरा इमोट को इक्विप कर लिया एंड अब यहां पर देखो तो एडिट करना है। लाइक यहां पे सबसे पहले हम एक की ले लेते हैं और इस की को हम लाइक जैसे पांडा माउस शुरू में यूज करते हैं, सबसे पहले जीरो ले लेते हैं, जीरो को सबसे पहले फर्स्ट रख देते हैं इमोट वाले सेक्शन पे। एंड एक और हम लोग की लेते हैं और उसको भी जीरो कर देते हैं और इसको हम लोग रख देते हैं यहां पे, चलो यार यहां पे ये जो झंडा वाला है ना गिल्ड वॉर वाला उस पर हम लोग रख देते हैं। एंड यहाँ पे फ्लैग वाले इमोट पे रख के यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सेव। एंड इसको चेक करने के लिए हम लोग फिर से चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एंड यहाँ पर हमें आई होप कि ये वर्क करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डबल टैप हमने रखा और ये क्या है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ये लॉल इमोट ये बेस्ट मार रहा है बट यहाँ पे सेकंड टाइम में ये फ्लैग दिखा रहा है और अब तो वो हो ही नहीं रहा, लाइक वो वर्क ही नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया।
क्योंकि देखो यार यहाँ पे ये जो दो की मैप है, दो जीरो वाला, वो तो यहाँ पे परफेक्टली वर्क करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक बार की टैप करेंगे तो यहाँ पे एक बार वो वाला होना चाहिए टैप, दूसरे बार ये होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे फास्ट टैप करने के बाद ये यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें अब हमें एक मैक्रो को ऐड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये तो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे इसे हम काट देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग मैक्रो यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पे डबल टैप छोड़ के अब हम लोग सिंगल टैप से ही हम लोग ईजिली यूज़ कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग मैक्रो यूज़ कर लेते हैं। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि भाई जितना कम आप लोग की मैप रखोगे उतना बेस्ट आप लोगों का गेम प्ले होगा। बट आप लोग यहाँ पे देखो फुल साइज़ है तो आप लोग इमोट के लिए मैक्रो यूज़ कर सकते हो। ओके, मैक्रो में चले आते हैं, एडिट पे आके यहाँ पे हम लोग इसमें डबल टैप को ऐड कर लेते हैं एंड इसका पोजिशन सेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे मेन तो इसका जो टाइमिंग है वो हमें सेट करना होगा, और जितना टाइमिंग मैं अभी रख रहा हूँ उतना ही रखना आप लोग भी। और यहाँ पे फर्स्ट वाला इसको इमोट पे रख देना है, सेकंड वाला जहाँ से हमें जो इमोट लगाना है वहाँ पे रख देना है। ओके, तो यहाँ पे तो मैं अंदाज से ही रख दिया फ्लैग वाले पे, आई डोंट नो ये फ्लैग वाला मारेगा कि क्या होगा। तो यहाँ पर चलो ये तो परफेक्ट वर्क कर रहा है, ये देखो ये बात ना ब्रो, यहाँ पर देख रहे हो कितना परफेक्टली ये वर्क कर रहा। अब यहाँ पे अब हम इसे बस इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने ये सेट अच्छे से नहीं किया था। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं एडिट पे, एडिट पोजीशन पे, एंड यहाँ पे फर्स्ट वाला तो परफेक्टली सेट है, सेकंड वाले को यहाँ पे फ्लैग पे रख देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो कितना ईजी है मैक्रो सेट करना, इसमें इसी तरह तरीके से आप लोग मैक्रो सेट कर सकते हो। एंड अब आप लोग देखो ओनली सिंगल प्रेस से यहाँ पे कितना फास्ट हम लोग इमोट लगा पा रहे हैं, लाइक यहाँ पे आप लोग अभी आप लोग देखो। तो यहाँ पे जब हम गेम प्ले करते बहुत सारे बंदे ऐसे टॉक्सिक बंदे होते हैं, लाइक वहाँ पे मार के और फ्लैग वाला इमोट दिखाते, आप लोग भी ऐसे मारो, एक बटन क्लिक करो, हो गया आपका फ्लैग इमोट। देख रहे हो कितना फास्ट हम यहाँ पे फ्लैग इमोट लगा पा रहे हैं। इसी तरह से आप लोग जितने भी नंबर पैड है उन सभी को आप लोग अलग अलग इमोट के लिए सेट कर सकते हो। तो यहाँ से अब हम चलते हैं डायरेक्ट फुल मैप रैंक के अंदर। तो यहाँ पे हम लगा लिए फुल मैप रैंक सोलो गेम प्ले, एंड यहाँ पे अभी हम उतर रहे हैं हैंगर पे। ओके, और यहाँ पर देखो तो सबसे मेनली यहाँ पे आपका प्रैक्टिस मैटर करता है, आपका जितना हार्ड प्रैक्टिस रहेगा उतना हार्ड आप लोग इसमें गेम प्ले कर पाओगे। हैंड को अपने कीबोर्ड पे सेट कर लो, उसके बाद तो भाई नेक्स्ट लेवल गेम प्ले हो ही जाएगा, बस माउस का सेंसी कंट्रोल कर लो। यहाँ पे दो बंदे उतरे और यहाँ पे एक बंदे को तो नेक्स्ट लेवल हेडशॉट के साथ फिनिश, और सेकंड बंदे को भी मैंने मार दिया, बट यहाँ पे वो सोनिया था, बट वो भी हो गया फिनिश यहाँ पे। और यहाँ पर देखो कितना फास्ट हम इजिली बंदों को मार के इजिली फ्लैग इमोट यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत सा लूट, और ये वाला जो कीबोर्ड माउस का कॉम्बो सेट है मैं उन लोगों को प्रीफर करूंगा जो भाई गेमिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे RGB गेमिंग कीबोर्ड माउस उनको चाहिए, तभी जाके आप लोग इसके साइड जा सकते हो। अगर आपका बजट एकदम टाइट है तब जाके आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। और इस कीबोर्ड माउस को मैंने ओनली 549 में परचेस किया था, बट अभी इसका प्राइस भाई बहुत ही अपडेट होकर ज़्यादा हो चुका होगा, बट आप लोग इसे कार्ट लिस्ट में रख के रखना, और जैसे ही इसका प्राइस फिर से ड्रॉप हो वैसे ही इसे परचेस करना। ओके, और ये 549 में जब आप लोगों को मिलेगा तभी आप लोग इसे परचेस करना, अदरवाइज इसे परचेस बिल्कुल भी मत करना। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप लोग अगर अंडर 1000 में अगर देखते हो तो सबसे बेस्ट अभी के टाइम पे ईवो फॉक्स का कीबोर्ड माउस कॉम्बो सेट है। मैं इन दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ईवो फॉक्स वाला भी जो अगर 1000 का अगर आपका बजट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वही आप लोग परचेस करो, बट अगर आपका बजट एकदम टाइट है तो ये भी आप लोग परचेस कर सकते हो। इसमें भी आप लोगों को माउस में अप टू 3600 का DPI भी देखने को मिल जाता है, साथ में इसका माउस भी बेस्ट है, लाइक इसमें हेडशॉट भी नेक्स्ट लेवल लगता है। ओके, और कीबोर्ड में RGB है और फुल साइज कीबोर्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट कीबोर्ड है, और इसका लुक भी नेक्स्ट लेवल है। और ऐसे भी आप लोग नॉर्मल लाइट में खेलोगे तो भाई इसमें RGB आप लोगों को दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज अभी ये स्टूडियो लाइट ऑन है, प्लस इसमें यहाँ पे आप लोगों का जो ये कीबोर्ड व्हाइट है इसके कारण अभी इसमें RGB नहीं दिख पा रहा है। ओके, मैं अभी यहाँ पे आगे जो गेम प्ले करूंगा वो मैं पूरा फुल्ली लाइट वाइट ऑफ करके मैं वो गेम प्ले भी आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप लोग इसका और एक सेट है, यहाँ पे इस कीबोर्ड माउस के साथ साथ आपको एक माउस पैड भी देखने को मिलता है, अगर आप लोग वो वाला परचेस करते हो तो उसमें बस आप लोगों को अराउंड 100 और एक्स्ट्रा पे करना होगा, लाइक उसका प्राइस अभी 668 चल रहा है, तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाइक नॉर्मल कीबोर्ड माउस अगर ओनली कीबोर्ड माउस चाहिए, लाइक आपके पास माउस पैड है ऑलरेडी, तब जाके आप लोग अंडर
549 रुपीज़ में, इसका प्राइस जब ड्रॉप हो तब जाके आप लोग ओनली कीबोर्ड माउस का कॉम्बो सेट परचेज करना। अगर आपके पास माउस पैड नहीं है तब जाके आप लोग 668 रुपीज़ में ये कीबोर्ड माउस साथ में एक माउस पैड आप लोग उन दोनों का कॉम्बो परचेज करना, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और रहा बात उसके बाद एक USB फॉरवर्ड हब का और एक OTG केबल का, तो वो सब तो भाई आप लोग मार्केट से इजिली ले सकते हो। ये दोनों अंडर 150 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। बाय द वे आपको ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो सेट कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे भी भाई देखो यार, सबसे मेन तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ परचेस करता हूँ और यहाँ पे मैं जब वीडियोज़ बनाता हूँ तो इस पे मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ, तो भाई उसमें ज़्यादा एडिटिंग करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर लाइक रॉ वीडियो की तरह शूट करता हूँ और रॉ वीडियो ही बनाता हूँ। ओके, तभी आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है लाइक गेम प्ले ये सब देखने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक अलग टेक चैनल को भी ओपन करूँ, लाइक उसमें मैं आप लोगों को ओनली जितने भी डिवाइसेज में परचेस करता हूँ उन सभी का एकदम डेडिकेटेड लाइक बेस्ट रिव्यू वीडियो वहाँ पे बताया करूँगा। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने सबसे पहले एक चैनल ओपन किया था FF सोनू इज लाइव करके, जिसमें मैं सोचा था कि उसमें लाइव स्ट्रीमिंग किया करूँगा, बट भाई लाइव स्ट्रीमिंग में उतना अच्छा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिला, इसलिए हमें उसे बंद करना पड़ा। और उसके बाद मैंने सोचा कि उस पर ओनली गेम प्ले वीडियोज ही लाइक मोंटेज वीडियोज ही अपलोड किया करेंगे, लाइक PC या फिर फोन के दोनों का वहाँ पे अपलोड किया करेंगे, बट उसमें भी ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। और उस चैनल का नाम मैंने उस टाइम पे रख दिया था सोनू गेमर्स। भाई तो मैंने उस चैनल का भी नेम चेंज करके टेक्की सोनू रख दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ये नेम आपको कैसा लगा, प्लस आप लोग वहाँ पे जरूर से मुझे सपोर्ट करना। ओके, अपना सपोर्ट उधर जरूर दिखाना और मैं जो भी गलती करूँ वहाँ पे टेक वीडियोज बनाते टाइम पे वो मुझे वहाँ पे जरूर सजेस्ट करना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करके बनाओ। ओके, और हो सकता है तो मैं जल्द से जल्द फेस रिवील भी करने वाला हूँ, और फेस रिवील करने के साथ साथ तो भाई और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज और भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें हम करने वाले। तो वो यार चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो यार, वीडियो को एक लाइक करो। और ऐसे भी मैं देख रहा तो बहुत ही कम लाइक्स आ रहे हैं वीडियोज़ पे यार, मतलब आप लोग वीडियो देखते हो देख के ही भाग जाते हो, भाई ऐसा थोड़ी होता है यार, लाइक करो। अगर अच्छा लग रहा वीडियो तो ज़रूर से लाइक करो, लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है लाइक नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी जल्दी बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूरा फुल अंधेरा अंधेरा गेम प्ले आपको देखने में कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो इस कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो सेट में RGB लाइटिंग भाई कितना नेक्स्ट लेवल दिख रहा, मतलब लाइट्स को ऑफ करने के बाद। तो बस यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो बस मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।